आखिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज से पहले क्यों भिड़े आमिर और अमिताभ? क्यों रिलीज से पहले इन दोनों स्टार्स में छिड़ गया है वॉर? क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हमने हाल ही में आपके साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमेक्स की खबर को शेयर किया था, जिसके मुताबिक इसके क्लाइमेक्स में आमिर या अमिताभ में से किसी एक सुपरस्टार की फिल्म के लास्ट में मौत हो जाएगी। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य हमेशा ही अपने फिल्मों की एंडिंग को कुछ खास तरीके से दिखाना पसंद करते हैं और वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ भी यही प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इस क्लाइमेक्स सीन के बाद आमिर और अमिताभ में एक नई जंग छिड़ गई है और ये जंग है कि इस क्लाइमेक्स के सीन में कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। दरअसल आमिर और बिग बी दोनों ही चाहते थे कि मूवी के लास्ट में वो ही मरे और इसी बात को लेकर दोनों ने डायरेक्टर से लंबी चौड़ी बातचीत भी की, लेकिन लास्ट में बाजी आमिर खान के हाथ लगी है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि इसे लेकर बिग बी और आमिर के बीच काफी तनातनी भी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर चाहते थे कि उनका फिरंगी किरदार ही लड़ते हुए शहीद हो जाए और यही बात भी अमिताभ बच्चन अपने कैरेक्टर खुदा बख्श के लिए भी चाहते थे। इसके पीछे वजह ये है कि जो भी किरदार क्लाइमेक्स में मरेगा वो ऑडियंस पर गहरा असर छोड़ जाएगा। इसी के चलते दोनों चाहते थे कि उनका ही किरदार अंत में मरे। वैसे इस फिल्म को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें कुछ में कहा गया है कि इसका क्लाइमेक्स अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का क्लाइमेक्स ऑडियंस को वाकई चौंकाने वाला होगा। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।